जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ, ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के। आज का जो हमारा योग है, यह है दुर्मरण योग। दुर्मरण योग मतलब जो आकस्मिक जो मौतें होती हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आकस्मिक जो मौतें होती हैं वो किस योग के कारण होती हैं, उस योग का क्या क्या परिणाम आपके सामने आते हैं, योग कैसे बनता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मित्रों, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके लिए नई नई जानकारी लेकर के पूरी तरह से जानकारी से भरा हुआ चैनल है। आप हमारा कोई सा भी वीडियो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ज्योतिष की आपको नई नई जानकारियाँ हमारे ही चैनल पर मिलती हैं, हमारे ही वीडियो मिलते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करेंगे, ताकि आने वाली जो जानकारी आपके मित्रों को भी साथ साथ मिलती रहे। आज का जो योग है वो कहते हैं आकस्मिक योग है, कि आकस्मिक योग कैसे बनता है और इसका जातक को कैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम कुंडली में देखते हैं, अष्टम भाव और लग्न भाव के स्वामी बलहीन हूँ। अष्टम भाव और लग्न भाव के स्वामी बलहीन हूँ। अष्टम भाव और लग्न भाव, चंद्रमा बलहीन है, इधर शनि बलहीन है, शनि के ऊपर भी मंगल की दृष्टि आ रही है, इसलिए बलहीन है शनि। भौम छठे भाव में बैठा हो और छठे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, भौम छठे भाव में मंगल छठे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो ये आकस्मिक जो मौत का योग बनता है इसको दुर्मरण योग कहते हैं, आकस्मिक मौत का योग कहते हैं इसको। दूसरा ये बनता है, दशम भाव का नवमांशपति शनि से युक्त हो तथा वह पाप ग्रह की राशि में बैठा हो तो आकस्मिक योग मृत्यु योग होता है। तीसरा योग इसमें बनता है, दशम भाव का नवमांशपति राहु या केतु के साथ हो तो उपर्युक्त योग बनता है, यानी दुर्मरण योग बनता है। दशम भाव का नवमांशपति मंगल राहु और शनि के साथ हो तो आकस्मिक मृत्यु योग बनता है। अगले इसके बारे में कुंडली में बताया गया है कि क्षीण चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो तो भी आकस्मिक मृत्यु योग बनता है, आकस्मिक मृत्यु योग, आकस्मिक आकस्मिक मृत्यु योग। आगे छठवा जो योग कैसे बनता है आपको बताता हूँ मैं। यदि मंगल की राशि या मंगल नवांश सहित लगन में सूर्य हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा सिंह राशि में राहु बुध के साथ हो तो आकस्मिक मृत्यु योग बनता है। लगन में शनि हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तथा उसके साथ चंद्र सूर्य और राहु हो तो आकस्मिक मृत्यु योग बनता है। इस योग में जो जन्म लेने वाला जातक है उस स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरता है, अपितु तो उसका आकस्मिक मृत्यु योग बनता है, आकस्मिक मृत्यु उसको प्राप्त होती है। आकस्मिक मृत्यु का मतलब होता है कि जिसके बारे में सोचा नहीं था ऐसी मृत्यु उसको प्राप्त होती है। ऊपर मैंने आपको सात तरह के ये योग बताए हैं, तो इनमें जो योग हैं उनके जो कारण बनते हैं वो कैसे बनते हैं। किसी की हथियार से मृत्यु हो जाए, किसी की जहर खाने से मृत्यु हो जाए, किसी की फांसी से मृत्यु हो जाए, किसी की आग में जलने से मृत्यु हो जाए, किसी की जो एक मुर्गी का रोग आता है, जो मुर्गी आती है लोगों को, मुर्गी में लोग रोड पर गिर जाते हैं, किसी वाहन के नीचे आ जाते हैं या कोई उनको सिर में चोट लग जाती है, आकस्मिक जो भी है वो मुर्गी से उनको अगर कोई कहीं चोट लगती है उससे उनकी मौत होती है तो वो भी इस योग में आती है। पेट फट जाए या पेट में कोई हथियार लग जाए उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाए। उसकी जो नाभि होती है ये पेट के ऊपर, नाभि पे कोई भीषण प्रहार हो तो उससे उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये जो सभी ये जो कारण हैं ये कारण इसी आकस्मिक मृत्यु के योग में आते हैं। अब मैंने आपको जो आकस्मिक मृत्यु योग के जो मैंने सात प्रवेशाएँ दी हैं, टिप्पणी में सातों योगों के कारण भी लिखे हैं जिनके द्वारा जातक का आकस्मिक मृत्यु योग बनता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार आकस्मिक मृत्यु योग को हम उचित नहीं मानते हैं,
क्योंकि जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो इस प्रकार जिनकी मौत होती है या अकस्मात मृत्यु होती है, इनको सदगति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इन मौतों को हम सही नहीं मान सकते। ऐसे जो योग हैं और जो लोगों को ऐसे योग मिलते हैं वो ज़्यादातर पुलिस में या सेना में अधिकतर होते हैं, क्योंकि पुलिस में सेना में क्या है, कहीं भी किसी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई, किसी दूसरे देश की सेना ने हमला कर दिया, वहाँ गोली लग गई, चोट लग गई, वहाँ उनकी मौत हो गई, तो ये आकस्मिक मृत्यु योग वहाँ बनते हैं। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा से तात्पर्य होता है हमारा कि जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ हो, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष का चंद्रमा। तो मित्रों, ये आपके सामने मैंने आज आकस्मिक मृत्यु योग का जो विवरण दिया है, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है, आप इसके बारे में मुझे अपनी राय दें, अपने सुझाव दें। और मैं आपसे एक अनुरोध और भी करना चाहता हूँ कि अगर आपके जन्म पत्री में, आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप बेझिझक आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो के नीचे मेरे नंबर दिए हुए हैं। आपकी कुंडली में जो कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसका विश्लेषण करने के बाद में और आपको जो उसका सटीक उपाय होगा आपको ज़रूर बताया जाएगा, ताकि आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो। हम चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हमारा ध्येय यही है कि सभी स्वस्थ रहें और सभी सुखी रहें। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।